हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं अपना बाइसेप का रूटीन, क्या मैं बाइसेप का वर्कआउट फॉलो करता हूँ और आपको क्या करना चाहिए ताकि उससे आपका बाइसेप बड़ा दिखे और साइज आपका इंक्रीज हो पाए। तो चलिए आपको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना ये वर्कआउट आज का, बाइसेप का वर्कआउट। फर्स्ट वर्कआउट जो हमारा होगा वो बारबेल कर्ल होगा। कैसे परफॉर्म करना है एक बार आप देख लीजिए। आराम से ये छोटा वाला बार लगा लेना है और कुछ पोजीशन देखिए। पोजीशन ये होता है, ये एल्बो जो आपका होगा ये ऐसे लॉक होगा, ऐसे खुला नहीं रहेगा, ऐसे लॉक हो जाएगा और शोल्डर पीछे की तरफ करेंगे और ये पूरा हाथ सीधा हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको सिर्फ एल्बो का आपका मूवमेंट होगा। ये देखिए कैसे परफॉर्म करना है, सिर्फ ये ऐसे उठाएं आप, बस चेस्ट के पास आएगा, वहाँ से एकदम धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर वैसे ही उठाएंगे, फिर आराम से नीचे लेके जाएंगे। पूरा टेंशन आपका बाइसेप पे आना चाहिए, लोड आपका बाइसेप पे आएगा तभी जाके आपका बाइसेप ट्रेंड हो पाएगा अच्छे तरीके से। देख सकते हैं कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, सेम टू सेम आप ऐसे ही परफॉर्म करिएगा। सेट की बात करूँ तो 3 से 4 सेट करिएगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन 10 to 12 रहेगा। सेकेंड वर्कआउट हमारा होगा हैमर कर्ल। कैसे परफॉर्म करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। हैमर कर्ल आपको परफॉर्म करना है, 2 डंबल ले लें और इसको आराम से सामने की तरफ लिफ्ट करेंगे इतना पे। इसमें भी एल्बो आपका ये ऐसे करके ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पे एल्बो इसमें भी फिक्स रहेगा और फिर नीचे जाएगा, फिर आराम से ऊपर लाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको करना है। मसल कनेक्शन, माइंड कनेक्शन करके करें वर्कआउट को, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा वर्कआउट, कुछ ऐसे आपको परफॉर्म करना है इसको। ये एल्बो आपका इधर उधर नहीं होगा, एल्बो आपका फिक्स रहेगा, फिर वहीं से उठेगा और वहीं पर गिरेगा। ये हो गया हमारा सेकंड वर्कआउट। सेट की बात करूँ तो 3 से 4 सेट, नंबर ऑफ रिपीटेशन 10 to 12 रहेगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ। थर्ड वर्कआउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कर्ल होगा। कैसे परफॉर्म करना है एक बार आप देख लीजिए। डंबल लेके आ जाएं और आपको कहीं भी बैठ जाना है और ये जो हाथ का पोजिशन होता है आपको थाई पे रख लेना है। ये मिडिल आपका थाई पे आना चाहिए, हाथ वाला ट्राइसेप आपका थाई पे आ जाएगा, फिर इसको पूरा नीचे ले जाएंगे और इसको आराम से लिफ्ट करेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कर्ल हो गया। ऐसे आपको परफॉर्म करना है इसको, इसमें जर्क नहीं मारना है कि ऐसे करके ऐसे उठा लेंगे, ये आपको ऐसे परफॉर्म नहीं करना है। आराम से इसमें भी नीचे जाएगा और आराम से ऊपर आएगा, ये कुछ ऐसे आपको परफॉर्म करना है इस वर्कआउट को। दोनों हाथों से आप करेंगे, 10-15 उससे निकलता है, उसके बाद इससे आप परफॉर्म करेंगे। देख सकते हैं कितना तगड़ा पीक निकल के आ रहा है। ऐसे ही आप भी परफॉर्म करें। सेट की बात करूं तो 3 से 4 सेट, नंबर ऑफ रिपीटेशन 10 to 12 रहेगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ वर्कआउट की तरफ जो कि प्रीचर कर्ल होगा। लास्ट वर्कआउट हमारा प्रीचर कर्ल, मशीन के पास आपको आ जाना है और कैसे परफॉर्म करना है एक बार आप देख लीजिए। आपको ये सीट आपके हाइट के अनुसार एडजस्ट कर लेना है। अगर आपका हाइट छोटा है तो इसको ऊपर करेंगे, हाइट लंबा है तो इसको नीचे रखेंगे, उसके बाद इसको आराम से बैठ जाएंगे। और ये हैंड का पोजीशन इसमें मेन रहता है कि हैंड कहाँ पे रखे। कई लोग यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे मार लेते हैं, कई ऐसे करके मार लेते हैं, तो इसका पोजीशन देखिए। आपको ये पीछे की तरफ हिप जो होता है वो पीछे की तरफ निकाल के आपको बैठ जाना है और फिर हैंड का पोजीशन देखिए, हैंड ऐसे रहेगा आपका सीधा, आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं, हैंड सीधा रहेगा। फिर इसको ऐसे पकड़ें और आराम से इसको लिफ्ट करें कुछ इस प्रकार से। पूरा ऊपर आएगा और पूरा नीचे जाएगा, पूरा नीचे नहीं मतलब यहाँ तक, हाथ सीधा हो जाए आपका वहीं तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से लिफ्ट करेंगे ऐसे। ये सही पोजीशन है आपका, ऐसे आप भी परफॉर्म करिए, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं भी इस वर्कआउट को फॉलो कर रहा हूँ और तगड़ा रिजल्ट देखने को मिल रहा है मुझे, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये था आज का हमारा बाइसेप का वर्कआउट। कैसा लगा हमारा ये बाइसेप का वर्कआउट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।